सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अंदर ब्लॉग। दिस इज विक्रम। सो आज बेसिकली हम लोग जा रहे हैं, जो मेरे घर के नज़दीक ही एक वाटरफॉल है तो उसको विजिट करने के लिए जा रहे हैं। और आज मौसम भी साफ है, सुबह से ज़्यादा बारिश नहीं हुई है तो मौसम भी फिलहाल साफ है। सोच रहा था कि थोड़ी सी बारिश हो तो और मज़ा आवे, बट मौसम तो आज पूरा का पूरा साफ है, देख सकते हैं आप। तो निकलते हैं वाटरफॉल के ऊपर। और हाँ, जिसको ये वाटरफॉल विजिट कर रहा है तो आप वाया बाइक से या ट्रेन से भी आ सकते हैं। जो बाइक से आने वाले हैं उनको अराउंड कलमबोली ब्रिज के यहाँ पे आना है, कलमबोली ब्रिज से फिर खंदा कॉलोनी आना है। खंदा कॉलोनी में किसी को भी आप अदय गाँव पूछोगे तो कोई भी आपको अदय गाँव लेके आ जाएगा। और वहाँ से कोई भी आप रिक्शा करते हो तो अराउंड रिक्शा वाला आपको वाटरफॉल के थोड़ा नज़दीक ला के छोड़ देगा। वहाँ से अराउंड हाफ किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, तो वहाँ से हाफ किलोमीटर चल के आपको वाटरफॉल मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल चलते हैं वाटरफॉल विजिट करने के लिए। सो बेसिकली गाइज, ये है लोकेशन, रायगढ़ जिला परिषद शाला अदई, ये लोकेशन पे आना है। यहाँ से आपको ये रोड से सीधा आपको अदई वाटरफॉल, अदई गांव वाटरफॉल जो है वहाँ से ये रास्ता, मतलब वहाँ के लिए ये रास्ता सीधा चला जाता है। सो गाइज, नेक्स्ट लोकेशन है काशीनाथ विठू शेड़के ब्रदर्स कंपनी। ये गेट से आपको सीधा अंदर आना है। सीधा अंदर आने के बाद अराउंड 100 मीटर के दूरी के ऊपर बाइक और कार का पार्किंग है। वहाँ पे गाड़ी पार्क करके फिर आगे का रास्ता आपको पैदल ही चलना होता है। सो गाइज, यहाँ पे पार्किंग करना है और यहाँ से रूट चालू होता है अदई वाटरफॉल के लिए। सो गाइज, अदई वाटरफॉल के लिए ट्रैक यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। बेसिकली अभी यहाँ पे बहुत सारा कीचड़ वगैरह है तो यहाँ पे थोड़ा संभाल के चलना कंपलसरी है। मैं कोई दूसरा वे ढूंढ लेता हूँ। मैंने जो अभी सैंडल पहना वो थोड़ा स्लिपरी है, बट जगह ढूंढ रहा हूँ। तो बेसिकली ऐसा रोड है वाटरफॉल के लिए। मैं सोचा था वो दूसरा एक वाटरफॉल है, बट वाटरफॉल यहाँ से नज़दीक है। शायद आपको गोप्रो से दिख रहा है कि नहीं, आइडिया नहीं है, बट यहाँ से नज़ारा बहुत बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और ये पूरी पब्लिक पहाड़ के ऊपर चढ़ी हुई है। गए टाइम पे बहुत सारे लोग ऊपर अटके हुए थे तो पुलिस वाले ने उनको रेस्क्यू करके नीचे लाया था। और एक यहाँ पे छोटा सा तालाब है जो कोई भी यहाँ आजू बाजू में खेती करता है तो यहाँ से पानी का सप्लाई हो जाता है टेम्पररी। सो गाइस, आज वीकडे है तो उसकी वजह से बहुत सारे जन यहाँ पे आ चुके हैं। बहुत पब्लिक है यहाँ पे। तो बाकी वीकेंड वीकडेज में अगर यहाँ पे आते हो तब तो कोई भी नहीं दिखाई देगा। इतने जन है और कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, बता नहीं सकता। हर एक जन अपने फैमिली के साथ आया हुआ है, सब जन एंजॉय कर रहे हैं। ज़्यादा लंबा भी नहीं है ना मुंबई से, तो इजी हो जाता है आने के लिए जाने के लिए। ये पूरा लोग ऊपर तक गए हुए हैं।
सो गाइज ये था अदई गांव का वाटरफॉल। तो वाटरफॉल इतना भी बड़ा नहीं है, बट हाँ फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए अच्छा है। और यहाँ पे छोटा सा ट्रैक भी है, तो वो भी आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। और हाँ गए टाइम पे एक प्रॉब्लम हुआ था, प्रॉब्लम ये हुआ था कि बेसिकली एक 8-10 जन का ग्रुप आया था तो ये पहाड़ों के ऊपर चढ़ा था। तो पहाड़ों के ऊपर तो चढ़े तो सही है, बट उनको रिटर्न आने में वो रास्ता भटक गए। तो और उनको 1.5 से 2 घंटा रास्ता ढूंढने के लिए गया, फिर लास्ट मोमेंट में पुलिस वालों ने उनको रेस्क्यू किया। तो आप भी समझो यहाँ पर आ रहे हो तो पहाड़ों पे चढ़ो, बट रास्ता ध्यान में रखना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो कैसे लगा प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके बाय।